स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी टिप्स पर। आशा करता हूं आप अपने और अपने परिवार का ख्याल बखूबी रख रहे होंगे। दोस्तों आज है 5 जून 2021 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अपने सेशन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। आप अगर रेगुलर हमारे इस करंट अफेयर्स के वीडियो को सेशन को देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको इस सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील होगा, कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड। दोस्तों आज के वीडियो के PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। चलते हैं अपने सेशन की ओर। दोस्तों आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है, आपको इसे याद रखना है। जैसे भी विश्व पर्यावरण दिवस, अर्थ दिवस, अर्थ डे जो होता है वो सब आपको याद रखना होता है, ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड। तो आपको जो आज है विश्व पर्यावरण दिवस को याद रखना है, ये मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, याद रखना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है, यूएन के द्वारा मनाया जाने वाला है, ठीक है, यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं यूएन की, तो यूएन के अभी चीफ कौन है, एंटोनियो गुटेरस। मैं डेली इस बारे में बात करता हूं। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। तो बात करते हैं जून के मंथ के रिलेटेड सारे जो इंपॉर्टेंट डेज है, क्योंकि हम लोग अपने वीडियोज में सारे डेज को तो कवर करते ही करते हैं, क्योंकि बहुत ही एग्जाम प्रोस्पेक्टस से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये इंपॉर्टेंट डेज। तो 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया था, हमने बात किया था, 1 जून को मनाया गया है वर्ल्ड मिल्क डे, यानी कि विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे। और उसी दिन मनाया गया था ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। आपको थीम भी बताया गया है, तो आप वीडियो को एक बार जाकर, नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए ताकि उससे आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है। वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया 1 जून को और मनाया गया ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। वहीं बात करते हैं 3 जून को कौन सा डे मनाया गया, 3 जून को मनाया गया वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, ठीक है, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। आपको 2 या 3 बार इसे केवल बोल जाना है, ठीक है, वो याद हो जाएगा। 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। वहीं 4 जून को कौन सा डे मनाया गया, तो 4 जून को मनाया गया हिंसा के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, हिंसा के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो आज है 5 जून और 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आपको याद रखना है। और इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम रही है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, ये है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इसकी थीम रही है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। चलिए ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, ठीक है, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका निधन हो गया, ठीक है, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका निधन हो गया वो कहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो दोस्तों ये थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका कि निधन हो गया। तो अभी मॉरिशस के कौन प्रधानमंत्री हैं, तो इनके बेटे हैं प्रवीण जगन्नाथ, ठीक है, इनके बेटे हैं प्रवीण जगन्नाथ, और जो सर अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे उनका निधन हो गया। तो चलिए ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि FIH, ठीक है, FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अभी वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है, ठीक है, हॉकी के मतलब कौन कौन से देश का कौन से टीम का कितना कौन सा वहाँ रैंकिंग है वो जारी किया है। तो बताइए कि इंडिया के मेंस टीम का रैंकिंग कितना रहा है, ठीक है, वर्ल्ड में, तो ये रहा है 4th, इंडिया के मेंस टीम का रैंकिंग रहा है 4th नंबर पर है इंडिया, ठीक है। तो बात करते हैं कि वुमेन्स वाला टीम का कितना स्थान है, ठीक है, वुमेन्स वाले टीम का कितना स्थान है, तो ये है 9th, ठीक है, 9वां स्थान है वुमेन्स वाला, महिला टीम का 9वां स्थान है और पुरुष टीम का 4th स्थान है, आपको याद रखना है। FIH के द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड रैंकिंग में मेन्स हॉकी टीम का स्थान है 4th और महिला का है 9वां, ठीक है। वहीं बात करते हैं FIH का, तो यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का ये हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड। जो भी करंट अफेयर्स में कोई अगर टॉपिक या कोई ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है तो वो एग्जाम में आने के उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो हेडक्वार्टर उसका कहाँ है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में। अभी उसके प्रेसिडेंट कौन है, अभी उसके प्रेसिडेंट है लेनाडो निग्रे, ठीक है, FIH के प्रेसिडेंट कौन है, लेनाडो निग्रे, अभी हाल ही में, ठीक है, ये FIH के मेंबर को इलेक्ट किया गया है भारत के। तो किसको किया गया है आपको इसे कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में करा दिया है, ठीक है। और प्रेसिडेंट तो है लेनाडो निग्रे साहब, लेकिन FIH के CEO कौन है, FIH के CEO अगर पूछा जाए तो FIH के CEO हैं थेरी विल, ठीक है, थेरी विल।
इसका ऑर्गेनाइजेशन, इस FIH का स्थापना कब हुआ था? 7 जनवरी 1924 को, क्योंकि स्थापना भी पूछ लिया जाता है आपको एक बार सारे संस्थाओं का, स्पोर्ट्स से रिलेटेड UN के जितने भी संस्थाएं उनके उनसे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे संस्थाओं का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका स्थापना दिवस कहाँ है, स्थापना दिवस कब है, और उसके प्रेसिडेंट, उनके चीफ, CEO के बारे में मैं बताऊंगा, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। उसके बाद ये अभी ये इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो पेरिस में हुई थी, लेकिन अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में। तो चलिए ये बात हो गया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से जारी किया गया वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में। देखिए नेवी के हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप, एक नेवी का हाइड्रोग्राफिक जल वाला जो सर्वे था, सर्वे करता था एक शिप, जिसका नाम था कौन सा, जिसका नाम क्या था, जिसको कि अभी सेवा मुक्त कर दिया, मतलब वो बहुत दिन से सेवा दे दिया देश के और अब कहा गया कि अब इसका सेवा, इसको इनको सेवा मुक्त कर दिया जाए, तो उसका नाम है संध्यक, INS संध्यक को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा INS संध्यक को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। और अगर बात करते हैं कि INS संध्यक जो है इसका जो सेवा मुक्त करेगा तो इसके लिए फेयरवेल भी होगा, ठीक है, समारोह भी होगा, तो वो समारोह होगा विशाखापट्टनम में, कहाँ पर, डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में इस समारोह को आयोजित किया जाएगा संध्यक को, ठीक है। और ये संध्यक जो था इसको कमीशन कब किया गया था, तो सन 2001 में इसको कमीशन किया गया था। इसका लॉन्च कब किया गया था, तो 1977 में, आपको याद रखना है, ठीक है, इसको कमीशन किया गया था सन 2001 में और इसको लॉन्च किया गया था 1977 में, ये याद रखना है। देखिए INS संध्यक जो था एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्या था, सर्वे शिप था, ठीक है, जो कि जो भारत, ये आप भारत देख रहे होंगे, ठीक है, भारत का निचले वाला हिस्सा, तटीय कोस्ट वाला कोस्टल हिस्सा, ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्वी तट और ये हो गया पूर्वी तट और ये हो गया पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों के क्षेत्रों में ये जो INS संध्यक है ये क्या किया है, 200 से ज़्यादा बड़े बड़े सर्वे किए हैं अभी तक, ठीक है, 200 से ज़्यादा बड़े बड़े सर्वे किए हैं दोनों साइड में, ठीक है। और इसके पास क्या क्या था, तो ये किसके अंडर में आता था, तो ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर में ये आता था, ईस्टर्न नेवल कमांड। और कितना नेवल कमांड होता है ये सब का वीडियो भी मैं स्टैटिक GK के अंदर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, स्टैटिक GK के अंदर कितने नेवल कमांड होते हैं, जब मैं डिफेंस कराऊँगा तो उसमें लेकर आऊँगा। तो ईस्टर्न नेवल कमांड के अंडर में ये काम करता था INS संध्यक, ठीक है। तो ये हो गया बात INS संध्यक की, आपको याद रखना है INS अरिहंत, INS चक्र, INS खांडेरी, ये सब क्या है, नेवी का पोत है, ठीक है, नेवी का पोत है। अच्छा चलिए बात करते हैं कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि अभी RBI मॉनेटरी पॉलिसी कब से कब तक देखा गया है, जो हर बार मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, 2 मंथ में रिवाइज किया जाता है, विदिन 2 मंथ रिवाइज किया जाता है। तो जब यहाँ पर क्या हुआ कि 2 जून से 4 जून के बीच RBI मॉनेटरी पॉलिसी क्या किया गया, रिवाइज किया गया उस पर, तो देखिए रिवाइज्ड फॉर्म में जो हुआ, अब कब होगा, अब होगा 4 अगस्त से 6 अगस्त, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 मंथ में रिवाइज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी को। और ये मॉनेटरी पॉलिसी क्यों किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या टर्म्स आते हैं, तो इकोनॉमिक्स वाले क्लास में मैं वो कराऊंगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स का पूरे YouTube पर अच्छे से फ्री में वीडियो नहीं है, ठीक है, अच्छे से समझा के वीडियो नहीं है, पूरे सिलेबस को कवर करा के वीडियो नहीं है, लेकिन आप मेरे चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारे के सिलेबस, पूरे कंप्लीट सिलेबस का प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो हमारे चैनल से दोस्तों जुड़ना ना भूले, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए हम कंटेंट, बहुत ही तगड़े कंटेंट लाने वाले हैं। आप केवल सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार बरसाते रहिए हमारे चैनल पर, आपके लिए हम लोग मेहनत करते रहेंगे, दिन और रात एक कर देंगे। चलिए 2 जून से 4 जून के बीच जो फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी, अभी जो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो रिवाइज किया गया है ये आया, 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच दूसरा आएगा। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी में रिवर्स रेपो रेट कितना रखा गया, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो इस मॉनेटरी पॉलिसी में आप रिवर्स रेपो रेट रखा गया है 3.35% का। तो रेपो रेट अगर पूछा जाए कि रेपो रेट कितना, तो रेपो रेट 4% का रखा गया है, रेपो रेट 4% का रखा गया है। बात करते हैं रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। देखिए अभी सिंपल भाषा में ये जो है क्लास करंट अफेयर्स का है, लेकिन इतना डिटेल में समझना नहीं है, तो सिंपल भाषा में ये समझ लेते हैं कि RBI जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी देश का, तो हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो क्या करता है, जब बैंक्स के पास सरप्लस अमाउंट का क्या होता है, कमी होता है, तो ये क्या करता है, बैंक से लोन लेता है, ठीक है, ये जो है RBI से बैंक, जो बैंक होते हैं रीजनल बैंक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। अब इस बैंक को RBI जितने परसेंट पर लोन देती है,
वही कहलाता है रेपो रेट। ठीक है, जितने परसेंट पर लोन देती है वो कहलाता है रेपो रेट। अगर रेपो रेट का दर मतलब रेपो रेट अगर कम होगा तो क्या होगा, जो बैंक हमें होम लोन देती है, व्हीकल लोन देती है, जितने भी टाइप के एजुकेशन लोन देती है, उसका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। तो आपको मैं इस तरह से ये सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ RBI है, RBI का ये बैंक को दे रहा है रेपो रेट, और बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो जैसा कि दिख रहा है इसके उल्टा। तो जब बैंक अपने अमाउंट को, जैसे इसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा हो गया, ठीक है, सरप्लस अमाउंट में, तो ये क्या करेगा, इस पैसे को रिवर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख देगा। अब जब इसके पास रखेगा ये, तो ये इसका इंटरेस्ट देगा इस पैसे का किसको, बैंक्स को। ठीक है, तो जो RBI इंटरेस्ट देता है बैंक को, तो वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये इसके पास रखता है। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट से क्या होता है, जब ये बैंक सरप्लस अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा मार्केट में हो जाता है, तो लिक्विडिटी को कम करने के लिए भी बैंक से पैसा ये क्या करती है, अपने पास रख लेती है। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं इकोनॉमिक्स की, आपको क्लास में मतलब थ्योरी वाले क्लास में कराया जाएगा। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या है, और इस बार इसकी दर क्या रही है इस मॉनेटरी पॉलिसी में, आपको मैंने बता दिया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत ने किसके साथ सिक्किम में सड़क उन्नयन यानी कि रोड अपग्रेडेशन के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत ने सिक्किम में सड़क के रोड अपग्रेडेशन के लिए ये समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब कितने का लोन दिया जाएगा, तो ये आपको कमेंट में बताना है, नहीं तो मैं कल के क्लास में इसको बताऊंगा। ठीक है, ADB, तो ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है, ADB का हेडक्वार्टर है मंडालुयोंग में। ठीक है, मंडालुयोंग या फिर मनीला फिलीपींस में। ठीक है, मंडालुयोंग या फिर मनीला फिलीपींस में है, आपको याद रखना है इसके हेडक्वार्टर को फिलीपींस में। वहीं अगर ADB की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1966। ठीक है, 1966 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट है मसादागु आसाकावा। आपको याद रखना है आसाकावा, चार बार बोलना है, ADB के प्रेसिडेंट आसाकावा, ADB के प्रेसिडेंट आसाकावा। ठीक है, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। वहीं IMF की बात करें, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, तो इसकी अगर बात करते हैं IMF के, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जितने भी पैसे से बड़े बड़े रिलेटेड जो संस्थान है वो आपको याद रख लेना है कि ज्यादातर अमेरिका में भी है। तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। इसकी अभी प्रेजेंट टाइम में MD कौन है, तो क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा। आपको ये भी से भी याद रखना है, क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा। ठीक है, जॉर्जीवा। वहीं पर अगर बात करते हैं कि इनका ये जो इनका स्थापना कब हुआ था, ठीक है, इनका स्थापना कब हुआ था, तो जुलाई 1949 में। ठीक है, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। आपको इसे भी याद रखना है। ठीक है, एक मिनट, गलती यहाँ पर, जुलाई 1944 में इसका स्थापना नहीं हुआ था। ठीक है, जुलाई 1944 में स्थापना किसी और बैंक का हुआ था, IMF का स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1945 में, UN के द्वारा बनाया गया ये एक बैंक है। ठीक है, UN के द्वारा चलाया जाएगा, तो ये इसका मतलब क्या है, UN इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं पर अगर इसकी बात करें चीफ इकोनॉमिस्ट अभी कौन है, तो इंडिया की है गीता गोपीनाथ, चीफ इकोनॉमिस्ट IMF की है इंडिया की गीता गोपीनाथ। वहीं वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी अभी बताया था मैंने कि पैसों से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट संस्थान हैं उसका हेडक्वार्टर अमेरिका लेके रखा हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC, आपको याद रखना, IMF का वाशिंगटन DC, वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC। तो इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मलपास। ठीक है, आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक के डेविड मलपास। एनडीबी के कौन है। और वहीं पर अगर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो मैंने बताया था कि जुलाई 1944, IMF को बता दिया, तो नहीं, जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था, जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था। चलिए बात करते हैं एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की, इसका इसका जो है हेडक्वार्टर है संघाई में। ठीक है, चाइना के संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं बात करते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में एनडीबी के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो आपको याद रखना है ट्रोइजो साहब, आपको ये बस इतना ही याद रख लेना है। ठीक है, ट्रोइजो, ऐसे इसका पूरा नाम है मार्कोस प्रेडो ट्रोइजो,
तो आपको याद रखना है एनडीबी के प्रेसिडेंट है अभी ट्रोइजो ट्रोइजो ट्रोइजो, ठीक है एनडीबी के। वहीं बात करते हैं इसका फाउंडर कौन है, इसको बनाया किस किन संस्थान ने मिलकर है, तो इसको बनाया है ब्रिक्स देशों ने मिलकर, ठीक है ब्रिक्स देशों ने मिलकर इसको बनाया है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स संस्थान क्या है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबके बारे में हम स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में बात करेंगे, ठीक है। भारत, रसिया, इंडिया, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ब्रिक्स देशों के द्वारा ये मिलकर बनाया गया क्या है, एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी संघाई में, 1966 में नहीं, 1966 ये यहाँ लिख दिया था, 1966 में तो एडीबी की हुई थी, ठीक है एडीबी वाला है, आपको इसे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसे देख लेना है 1966 में एडीबी का हुआ था, ये यहाँ पर लिखा था एडीबी का। चलिए ये जो एनडीबी है इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, नया नया बना है अभी, ठीक है नया नया बना है 2014 में, ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया, ट्रोइजो साहब इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है। इतना हो गया बात इन सारे बैंक्स के, और ये मैंने क्वेश्चन में जो बात किया आपको उसे याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किन्होंने किया है, छत्तीसगढ़ में अभी एक मेगा फूड पार्क बना है उसका उद्घाटन किन्होंने किया है, तो नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है यही है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर, ठीक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, आपको इसे भी याद रखना है। तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का छत्तीसगढ़ में उद्घाटन किया गया है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है तो आपको इसे बताना है। अच्छा छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है आपको बताना है, क्योंकि ये सारे फैक्ट को मैं अपने वीडियोज में कवर कराता हूँ, आपको ये सब कर लेना है, फैक्ट को कॉपी में नोट डाउन करना है जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। वहीं पर बात करते हैं ये जो नरेंद्र सिंह तोमर है इनके पास फूड प्रोसेसिंग के अलावा और कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज इनके पास मिनिस्ट्री है। वहीं बात करते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान की, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं और वह उसके पास स्टील मिनिस्ट्री भी है। चलिए बात करते हैं श्रीपद येसो नाइक, आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर हैं ये। श्री प्रहलाद जोशी कौन है, तो प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इनके पास और कौन सी मिनिस्ट्री है, कोल मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, माइंस मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है प्रहलाद जोशी के पास। तो अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने बेस्ट इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में किया है, आपको ये बस याद रखना है, ठीक है। केंद्र सरकार ने शहरी विकास के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो शहरी विकास के लिए केंद्र सरकार ने जापान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जापान के साथ। तो बात करते हैं जापान का कैपिटल कहाँ है, टोक्यो, करेंसी येन, और अभी यहाँ के पीएम कौन है, तो योशिहिदे सुगा, ये नाम थोड़ा सा ये है, योशिहिदे सुगा, ये याद रखना है पीएम यहाँ के हैं। अच्छा बात करते हैं वही फ्रांस की, तो फ्रांस का कैपिटल है पेरिस और यहाँ का करेंसी क्या चलता है, यूरो, पहले चलता था फ्रेंच लेकिन अभी यहाँ का करेंसी यूरो है, ठीक है। और वहीं बात करते हैं यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, तो इमैनुएल मैक्रोन साहब, इमैनुएल मैक्रोन। रसिया का कैपिटल कहाँ है, मॉस्को, और यहाँ का करेंसी क्या है, रूबल, ठीक है रूबल। चलिए बात करते हैं यूएसए के, तो यूएसए के बारे में सब जानता है, यूएस डॉलर, और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब। चलिए जो केंद्र सरकार ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल का लक्ष्य कब तक रखा है, तो ये 2023 तक रखा है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल भारत में बेचा जाएगा, भारत के पेट्रोल पंप पर बेचा जाएगा। ये क्या है आखिर, इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल क्या है, इथेनॉल होता क्या है, इथेनॉल जो होता है एक एनहाइड्रस एल्कोहल होता है, ठीक है एनहाइड्रस एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। अच्छा इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है ऑक्सीजन है, अब ये याद रखना है ये जो इथेनॉल है ये किससे बनता है, ये बनता है आपके शुगर से बना सकते हैं, शुगर केन से, मेज से, वीट से इसे बना सकते हैं, तो ये एक तरह से क्या है, रीन्यूएबल है, ठीक है। तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तौर पर हम लोग पेट्रोल को, जो पेट्रोल का जो दाम बढ़ रहा है, दूसरे देशों से हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जा रहा है पेट्रोल, और हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर आता है पेट्रोल का इम्पोर्ट करने में, ठीक है पेट्रोल के इम्पोर्ट करने में थर्ड नंबर वाला कंट्री कौन है, तो इंडिया है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग पेट्रोल इम्पोर्ट करते हैं, तो सरकार ने 20% इथेनॉल
ब्लेंडिंग पेट्रोल का लक्ष्य रखा है 2023 तक। ऐसा करने से पेट्रोल के दाम में गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो C2H5OH है, यानी कि एथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इसको अगर पेट्रोल के साथ मिलाया जाएगा तो क्या होगा, ये शुगर कोन, केन, मेज, फ्रूट, वेट, वीट, इस सबसे बनता है। तो पहले बनेगा, फर्मेंटेशन होगा, इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल के साथ, फिर उसको पेट्रोल पंप पर बेचा जाएगा। तो एक तरह से ये पेट्रोल जो होगा इको फ्रेंडली होगा। कैसे? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, तो जिससे कि जो फ्यूल होगा उसका कंबसन कंप्लीटली कंबसन हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, मदद करेगा उसको फ्यूल को कंप्लीट कंबसन करने में। दूसरा, इससे क्या होगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो कम होगा। तो ये सब को ध्यान रखते हुए एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा 2023 का रखा गया है। और ये कहा जा रहा है 1 अप्रैल 2023 से भारत में इसको लागू किया जाएगा, मतलब यहां से बेचा जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल का लक्ष्य भारत सरकार ने 2023 तक रखा है, ठीक है, ये याद रखना है। इससे इंजन को भी, मतलब इंजन भी ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तो ये सब कुछ बातें हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के। चलिए देखिए, राबता मुहिम किस राज्य के सरकारी शिक्षकों द्वारा चलाया गया था, ठीक है। राबता मुहिम आपको याद रखना है, राबता मुहिम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछ लिया जाएगा। राबता मुहिम किस राज्य सरकार के सरकारी शिक्षकों द्वारा चलाया गया था? तो यह चलाया गया था पंजाब के द्वारा, जिसको संपन्न कर लिया गया है। पंजाब के द्वारा चलाया गया था राबता मुहिम, इसको संपन्न कर लिया गया। यह राबता मुहिम है क्या? इस मुहिम के तहत सरकारी शिक्षकों के द्वारा चलाया गया था। इस मुहिम के तहत ऐसा है कि जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों के साथ स्कूल के शिक्षकों का क्या हो, कम्युनिकेशन हो, कन्वर्सेशन हो। तो 12.71 लाख अभिभावकों से, गार्जियन से क्या किया गया इस मुहिम के तहत सरकारी शिक्षकों के द्वारा संपर्क किया गया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, फोन के माध्यम से संपर्क को सुविधाजनक बनाया जाए, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों को कोविड संक्रमण होने से कैसे बचाया जाए, उसका शिक्षा का कैसे प्रॉपर ध्यान रखा जाए, उसके हेल्थ को कैसे प्रॉपर ध्यान रखा जाए, ये सब गार्जियन को बताया जाए इस तरह से। तो ये संपर्क बनाने का एक मुहिम चलाया गया, किसके द्वारा, पंजाब के सरकारी शिक्षकों के द्वारा राबता मुहिम चलाया गया। बहुत ही अच्छी मुहिम थी। चलिए बात करते हैं, वही पंजाब के CM कौन है? तो पंजाब के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो VP बदनौर सिंह। चलिए वहीं बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड के CM कौन है, सबको ही जानता है, हेमंत सोरेन। और उसके बाद यहाँ की राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू। बहुत दिन से, अभी तक हट नहीं रही है ना, अभी तक नहीं हटी है, बहुत दिन से हैं, तो ये इसे याद रखना मतलब आसान है, ठीक है। बिहार की कौन है, फागू चौहान। CM कौन है, नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के CM कौन है, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। चलिए ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज से रिलेटेड। दोस्तों अगर आपको हमारा ये इंफॉर्मेशन, आपको हमारा ये जो कंटेंट है अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो, हमारे चैनल पे जितने भी इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोज आपके लिए लाए जाएंगे आपको उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे सबसे पहले। तो हम यही आशा करते हैं कि आप अपने अपने घरों में, अभी क्योंकि अभी कोविड महामारी का संक्रमण थोड़ा कम हुआ है, लेकिन क्या है कि ये संक्रमण कम हुआ है लेकिन अभी कोविड महामारी, कोविड बीमारी है अभी, ठीक है। तो आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें, मैं यही आशा करता हूँ, और आप पढ़ते रहें, ठीक है। और उसके बाद मिलेंगे हम लोग कल के सेशन में नए करंट अफेयर्स के साथ, नए डेज, नए दिन की शुरुआत करेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा।